हेलो फ्रेंड्स बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है माय नेम इज आशीष गिरी और आज की के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नए सिलेबस के बारे में दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है ज्यूलॉजी और बोटनी के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो दोनों सेमेस्टर हैं बी फर्स्ट ईयर के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है दो सेमेस्टर है टोटल अब बी जो है छह सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है फर्स्ट ईयर के अंदर दो सेमेस्टर सेकेंड ईयर के अंदर दो सेमेस्टर और थर्ड ईयर के अंदर भी दो सेमेस्टर तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बी फर्स्ट ईयर के जो दोनों सेमेस्टर हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब हम देखने वाले हैं दोस्तों यदि आपने हमारा बायो बुक टैग जो कि टेलीग्राम चैनल है आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर आपको बीएससी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होता है जो भी पीडीएफ डी एफ नोट्स शेयर करना होता है मैं वहीं पर आपको शेयर करता हूं और ये बिल्कुल फ्री है इसके बाद आप हमारा एप्लीकेशन बायो बुक टैग डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको नोट्स पी के फॉर्म में मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली फोकस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड सेम के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर इन बी केमिस्ट्री साइड में लिखा हुआ है ईयर सेम कोर्स कोड पेपर टाइटल थ्योरी प्रैक्टिकल और ये क्रेडिट देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बी फर्स्ट ईयर के बारे में बी फर्स्ट ईयर के अंदर दो सेमेस्टर हैं ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी दो सेमेस्टर हैं और थर्ड ईयर में भी दो सेमेस्टर हैं यानी टोटल बी में सिक्स सेमेस्टर होंगे सबसे पहले डिस्कस करते हैं बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के बारे में ये है इसका कोर्स कोड और ये है पेपर टाइटल दोस्तों यदि आप बी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर्टिफिकेट इन बायो और बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ठीक है ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और यदि आप सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा डिप्लोमा इन केमिकल डायनमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स और यदि आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की कंप्लीट डिग्री दी जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बी फर्स्ट ईयर जो आपका फर्स्ट सेम है सबसे पहला है उसका कोर्स जो थ्योरी का पेपर होगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और इसमें जो पेपर जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से यानी फर्स्ट सेम के अंदर आपका जो थ्योरटिकल पेपर रहेगा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और इसका क्रेडिट होगा फोर इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से और इसका जो क्रेडिट होगा वो होगा टू अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में सेकंड सेमेस्टर में आपका जो थ्योरटिकल पेपर होगा वो होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और दोस्तों इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा बायोकेमिकल एनालिसिस और क्रेडिट आप देख सकते हैं थ्योरी का जो क्रेडिट है वो फोर है और प्रैक्टिकल के क्रेडिट टू है ये इस तरह से आपका बी फर्स्ट ईयर कंप्लीट अब हम बात करते हैं सेकेंड बी एस सेकेंड ईयर के बारे में बी एस सेकेंड ईयर में आपका आएगा थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का कोड आप देख सकते हैं थ्योरिटिकल जो पेपर होगा होगा केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा होगा फिजिकल एनालिसिस के नाम से इसके बाद बी एस सी सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो इसमें जो थ्योरटिकल पेपर होगा होगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक और इसमें जो आपका दोस्तों प्रैक्टिकल होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस राइट इसके बाद आते हैं बीएससी थर्ड ईयर ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस नहीं दिखा रहा हूँ सिलेबस में फर्स्ट ईयर का ही स्पेशली डिस्कस करूँगा अब इसके बाद आते हैं बीएससी थर्ड ईयर में तो इसमें आपका आएगा फिफ्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका थ्योरिटिकल पेपर होगा वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए यानी इसमें दो थ्योरिटिकल पेपर होंगे एक तो होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा होगा रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स ठीक है ये दो थ्योरेटिकल पेपर होंगे जिसके चार चार क्रेडिट हैं इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से और प्रोजेक्ट जो होगा वो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा इस प्रकार से आपका फोर्थ फिफ्थ सेम कंप्लीट हो जाएगा सिक्स सेम की बात करें सिक्स सेमेस्टर की तो इसमें आपका जो थ्योरेटिकल पेपर होगा वो होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और दूसरा होगा थ्योरेटिकल पेपर केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल होगा वो एनालिटिकल मेथड्स और आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा तो इस प्रकार से देखा आपने कि बी एस सी थर्ड ईयर के अंदर आपके दो थ्योरेटिकल पेपर हैं एक प्रैक्टिकल है और एक प्रोजेक्ट वर्क है राइट और जिनके क्रेडिट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट के आपके थ्री क्रेडिट हैं और प्रैक्टिकल के दो क्रेडिट्स होंगे और थ्योरी के चार क्रेडिट हैं अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बी एस सी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर्स और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेम थ्योरी पेपर जो होगा होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जिसके अंदर यूनिट्स आप लोग देख लीजिए मोलिकुलर पोलरिटी एंड वी केमिकल फोर्सेस नंबर सेकंड सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर थर्ड प्रेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स नंबर फोर आता है रिकैपचुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रीफ उसके बाद नंबर एट जो यूनिट होगा होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री ये आपका पूरा फर्स्ट सेम का सिलेबस है ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस प्रैक्टिकल में आप लोग देख ही रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें यूनिट्स आप देख रहे हैं इसके बाद टोटल क्रेडिट हो जाएंगे सिक्स क्योंकि दो प्रैक्टिकल के और चार थ्योरी के टोटल छः क्रेडिट्स होंगे जो कि आपके मार्कशीट के अंदर वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कितने क्रेडिट्स आपने अचीव किए हैं इसके बाद सेकेंड सेम बी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो है नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंट्रोडक्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड सिंथेटिक डाई ये टॉपिक्स आपके रहेंगे ये यूनिट्स रहेंगी और प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस होगा और ये उसके सभी के सभी टॉपिक्स होंगे और ये इसका भी टोटल छः क्रेडिट होगा तो इस प्रकार से हमने देखा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया दोस्तों इसके ऊपर आप एक अच्छी सी कोई भी नोट्स आपको मिल जाएगा क्योंकि मार्केट में अब बुक्स आ चुके हैं उन बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं राइट सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो आप चाहें तो मैं सेकेंड ईयर का भी डिस्कस करूँगा वो भी लेकिन अभी फ़िलहाल हम बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे जिसके जो कि दो से ही लागू हुआ है तो इस अभी जो सिलेबस की ज़रूरत है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ही है क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है वो बिल्कुल सेम वही है और थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट का राइट right? ये सिर्फ और सिर्फ 2021 से लागू हुआ है